हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल गिक्स ब्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लेकर आया हूं आपके लिए एप्पल का तीन फोन। टेक जगत की दिक्कत कंपनी एप्पल इस साल तीन नए आईफोन लॉन्च करने वाले हैं। एप्पल आईफोन 2018 हैंडसेट के नाम को लेकर बड़ी आलोचना हो रही थी कि कौन सा नाम रखा जाए। फिर आखिरकार जाकर उन सब ने डिसाइड किया मिलके तीन नाम। क्या क्या? आईफोन XS, आईफोन 9। आपको पता होगा कि iPhone 9 मिस हो चुका था। iPhone 8 और iPhone 8 Plus के जगह पर डायरेक्टली iPhone 10 पर हिट किया गया था, इसलिए अब iPhone 9 पर फोकस किया गया है। iPhone XS, iPhone 9 और iPhone XS Plus, इन तीनों मॉडल का नाम यही होगा। अब चलिए इन सब के अगर थोड़ी फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इन सभी मॉडल में अगर हम पहला मॉडल जो देखें, जो है हमारा iPhone XS, उसमें आपको एक OLED डिस्प्ले मिलेगा। फिर आपका जो सबसे प्रीमियम मॉडल होगा, जबरदस्त पैसा वाला मॉडल, वो होगा 6.5 इंच का OLED डिस्प्ले के साथ आएगा, वो प्रीमियम मॉडल। लेकिन इस बार एप्पल ने सिर्फ मतलब पैसे के लिए नहीं सोचा, लेकिन कुछ इकोनॉमी के बारे में भी एप्पल ने ध्यान दिया। और एप्पल ने कहा है कि इस बार वो एक किफ़ायती मॉडल लॉन्च करने वाला है जिसकी कीमत कम होगी थोड़ी सी, और उसका नाम दिया गया है एप्पल आईफोन 9, जिसमें आपको 6.1 इंच का LCD डिस्प्ले दी जाएगी। लेस न्यूमेरिक की रिपोर्ट के हिसाब से लॉन्च 14 सितंबर को हो सकती है, ठीक है। चलिए अब अगर कुछ स्पेशल एबिलिटीज की बात करें, तो एप्पल का जो LCD डिस्प्ले वाला सबसे किफायती वेरिएंट आईफोन 9 के नाम से लॉन्च होगा, उसमें आपको बैक साइड पर ग्लास बॉडी मिलने की संभावना है, जहां पर आपको सिंगल रियर कैमरा मिलेगा। लेकिन जो दूसरा मॉडल होगा, जिसका नाम है आईफोन XS, जहां पर आपको 5.9 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा, वहां पर आपको बैक पैनल आपको वहां पर भी ग्लास का ही मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको दो दो रियर कैमरास मिल रहे हैं, प्लस आपको इधर वायरलेस चार्जिंग की भी फैसिलिटी दी रही है। फिर आपका जो तीसरा मॉडल है, जिसका नाम है एप्पल आईफोन XS प्लस, जिसका स्क्रीन साइज होगा दोस्तों 6.5 इंच OLED डिस्प्ले, और ये प्रीमियम मॉडल होगा। यहाँ पर आपके बैक पैनल ग्लास से बने हुए होंगे और आपको इधर वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर रहने की बहुत संभावना है और डुअल रियर कैमरास इधर रहने की बहुत संभावना है। दोस्तों कहा जा रहा है कि आपको इधर फेस आईडी रिकॉग्निशन के फीचर्स आपको तीनों मोबाइल में दिए जाएंगे। दोस्तों अगर हम कीमत की बात करें, तो जो iPhone 9 6.1 इंच LCD की कीमत होगी, कम से कम आपको $600 से $700 तक आपका ये कीमत होगा। मतलब अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें, तो आपको 41,000 से आपको ये 50,000 रुपये तक की वेरी हो सकता है। फिर अगर आप iPhone XS की बात करें, तो ये आपको 48,000 से लेकर 54,000 तक में आ जा सकती है। फिर इसका जो लास्ट मॉडल है, जिसका सबसे प्रीमियम मॉडल है 6.5 इंच OLED डिस्प्ले वाला, वो आपको 990 द्वारा मतलब करीब करीब आपको 17,000 रुपये पड़ सकते हैं। तो ये तीनों मॉडल के जो सब स्पेसिफिकेशंस है दोस्तों, अभी भी ये सिर्फ सूत्रों के अनुसार है, लेकिन अभी श्योर नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो सब मॉडल लीक्स हो चुके हैं, जो सब वीडियोस लीक्स हो चुके हैं, एप्पल आईफोन ये तीनों मॉडल बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन देने वाली है, जो हमारे रिसेंट जो सब फ़ोन लॉन्च हुए हैं उन सबको। तो आगे हम देखेंगे जब ये रियली लॉन्च हो जाए, उसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपके सामने हम ज़रूर लाएंगे। इसलिए आप एकदम सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद भी बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, अच्छे रहिए, सबको अच्छे रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।